भोरंज के मिनी सचिवालय परिसर में गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस कनेक्शन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने इस कार्यक्रम में भोरंज विकास खंड की 28 पंचायतों व बमसन विकास खंड की 18 पंचायतों की 562 महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन वितरित किए। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में जिला में 2490 गैस कनेक्शन वितरित किए गए, दूसरे चरण में 3000 गैस कनेक्शन वितरित किए जाएंगे। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल तथा केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है तथा इस दिशा में महिलाओं के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की 6 करोड़ महिलाओं को एलपीजी गैस देने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री गृहिणी योजना के अंतर्गत 1 लाख महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत को प्रदेश में आरंभ किया गया है। इस योजना में प्रदेश के 22 लाख लोग कवर हो रहे हैं। इस योजना के तहत लोगों को पंजीकृत अस्पतालों में 5 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना में कवर ना होने वाले लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिम केयर नाम की एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख तक निःशुल्क इलाज का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए कार्ड बनाना आरंभ हो चुके हैं। सड़कों का उल्लेख करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करोड़ों रुपए सड़कों पर व्यय किए जा रहे हैं तथा 2020 तक 250 तक की आबादी वाले बच्चों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य ध्येय संसदीय क्षेत्र का विकास करवाना है, जिससे वे लोगों के सहयोग तथा आशीर्वाद से गति व निरंतरता प्रदान की जाएगी।